हेलो दोस्तों, मैं हूँ नाइटवर। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब मुझे 1 मंथ होने वाला आईपैड लिए, और मेरा चैनल देखा होगा आप लोगों ने, कितना बूस्ट हो गया। मतलब 300 सब्सक्राइबर थे जब मैंने 5 तारीख को आईपैड लेके आया था भैया के पास से, और आज मेरे 1K होने वाले हैं। मतलब उम्मीद करते हैं इस वीडियो के साथ अगर 1K हो जाए जल्दी से। अब आज हम बात करेंगे कि आईपैड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल चालू करना है गेमिंग के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर, तो क्या क्या आपको डिसएडवांटेज देखने मिलेगा आईपैड पे और क्या क्या एडवांटेज देखने मिलेगा। अब मैं ज़्यादातर मतलब पबजी के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं पबजी ज़्यादा खेलता हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। अब पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है इन 25-30 दिन में जब से मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पे, आपको पिंग इशू आएगा आईपैड पे। अब ये मैं दिखा देता हूँ आपको, दोनों एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट हैं जो कि जियो से कनेक्ट है दोनों। अब एयरटेल पे मैं खेलने लगा हूँ क्योंकि जियो पे उतना ज़्यादा पिंग भाई नहीं देता, 120 रहता है हमेशा आईपैड पे, और एयरटेल पे 60-70 रहता है, बट फिक्स कभी भी नहीं रहता, ऊपर नीचे जाता रहता है दोनों ही सिम पे। अब देखना, एंड्रॉयड पे कम होगा पिंग और इस पे ज़्यादा होगा। अब इस पे देख सकते हो कितना रहे, अभी तो ये ज़्यादा है, सेट हो गया। हाँ, 108 का पिंग आता है जियो पे, और वो भी जियो से कनेक्ट है एक ही फ़ोन से, पोको से, और इस पे 72 का पिंग आ रहा है। मतलब ऐसे ही पिंग आता रहा है। ये तो ट्रेनिंग रूम का है, अगर मेन क्लासिक खेलोगे तो आप आईपैड पे आपको 120 का पिंग देखने मिलेगा और इस पे 80 का देखने मिलेगा एंड्रॉयड पे। अगर आपके पास वाईफाई है अच्छा वाला तो बहुत अच्छा है यार आपके लिए, बट मेरे पास नहीं है, घर पे अवेलेबल नहीं है इस वाले एरिया पे, सो मैं नहीं लगवा सकता। अब एक और नई सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि सभी यूज़र्स को आएगी, जो भी नया नया आईपैड मिनी 5 खरीदेगा। अब यहाँ पे मतलब ये जॉयस्टिक का प्रॉब्लम सबको आएगा। अब देखना, मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे आप लोग अगर भाग रहे होगे, जगल वगैरह करने का करोगे ना, तो आपका स्क्रीन मतलब जो आपकी फिंगर होती है वो वाइट वाले उस पर चली आएगी, तो देख सकते हो बंदा रुक जाएगा आपका। मतलब ऐसे मेन फाइट पे बीच बीच पे हो जाता है और बहुत मूड ख़राब होता है कभी कभी, मतलब इस जॉयस्टिक की वजह से। अब ये प्रॉब्लम सभी को फेस होगी, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मेरा नहीं होता, अब मेरे को बहुत दिन हो गया खेलते हुए, बट बाई चांस कभी कभी हो जाता है मेरा। मतलब आप खुद देखो, जैसे ही थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर जाता है ना, पूरा बंदा स्टॉप हो जाता है इधर पे। अब क्या बोलूँ मैं आपको, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बस ये प्रैक्टिस से ही सही हो सकती है। अब एक और प्रॉब्लम इसकी, जो डाटा केबल है ना भाई, टेप चिपका लेना वरना पता नहीं चलेगा कब टूट गई। देख सकते हो भाई मेरा, मतलब पूरा टेप चिपका के रखा हूँ मैं, और भाई बहुत महंगी आती है इसकी डाटा केबल, तो प्लीज़ यार हो सके तो ऐसा टेप चिपका के रख लेना वरना तुरंत ही टूट जाएगी ये। मतलब बहुत ही गंदी क्वालिटी है और बहुत स्लो चार्ज होता है यार। 10 वाट का चार्जर मिला है, मतलब 4 घंटे लग जाते हैं पूरा। अब ये मेरा लैपटॉप है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो इसी को लेके है, डाटा मतलब फाइल शेयरिंग के लिए। अब आपको मतलब जो आईपैड होता है ना, उसकी फाइल्स लैपटॉप पे शो नहीं होती, पता नहीं क्यों। पूरी फाइल्स कभी कभी शो होती हैं, आधी होती हैं, कभी कभी कुछ भी शो नहीं होता। और दिखाता हूँ आपको मैं, अब देख सकते हो इसको मैंने पीसी से कनेक्ट किया आईपैड को, और देखना अब इधर आईपैड के फोल्डर पे जाते हैं, और देखना आप लोग, सिर्फ मतलब इस पे 14 फाइल्स हो रही हैं और मेरे आईपैड पे 18 फाइल्स डली हैं, मतलब 18 वीडियोस डली हैं। और यही प्रॉब्लम, कभी कभी तो ये भी नहीं होती। कल तो भाई ऐसा सीन हुआ था, सिर्फ 2 वीडियोस हो रही थी, दिख रही थी, और उस पे थी 17 वीडियोस डली थी। मतलब क्या बोलूँ, मतलब देखो आप, ये देखो दिख रहा होगा आपको 14 हो रही हैं, और अब मैं आईपैड पे दिखाता हूँ आपको, उस पे 18 हैं। अब ये देखना, यहाँ पे खोलता हूँ और ये देख सकते हो 18 फाइल्स हैं इसके अंदर, और सिर्फ उस पर 14 सो रही हैं। अब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह हो तो जेंडर से लेके अपनी फाइल इस पे पीसी भी डाल सकते हो, वरना इसमें फाइल सो नहीं होती यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को जेंडर से पहले अपने उस पर डालना पड़ता है G20 Pro पे, फिर जाके कहीं कनेक्ट करके वो डालता हूँ। अब डायरेक्ट मैं डाल सकता हूँ, बट यार कौन करे, अब उस पर जल्दी से ईजी लगता है, लेटे लेटे कर लिया फिर डाल लिया इधर पे आके। अब इस पे ही एक और प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते पीसी से उठा के, कि अपन उठा के डाल दें इस पे, ना ही कुछ डिलीट कर सकते हो आप।
क्या बोलूँ यार, अलग ही सीन है इसका। अगर आपके पास एक फ़ोन हो ना तो ही आईपैड लेना, वरना बहुत दिक्कत पे आ जाओगे आप लोग। अब उससे भी आप लोग एडिट करके डाल सकते हो, बट यार फ़ोन की बात ही अलग होती है, और इस पर सिम भी नहीं डलती, तो कहाँ लिए घूमते रहोगे। बहुत बड़ा होता है आईपैड। अब ये प्रॉब्लम तो नहीं है, बट कहना चाहूँगा कि इसकी एक वीडियो 6.5-7 GB की बनती है रिकॉर्डिंग पे। आपको एक हार्ड डिस्क लेना पड़ेगी, नहीं तो आपके पास इतने सीन हो जाएंगे ना कि किस किस को डिलीट करते रहोगे यार, पता नहीं चलेगा कब भर गया। वरना वही लगेगा कि ये भी सीन है, इसको भी रख लूँ, इसको भी रख लूँ। बस मैं तो इसी पे कंफ्यूज रहता हूँ, बट मेरे पे स्टोरेज है बहुत सारी, तो प्रॉब्लम नहीं जाती मुझे उतना ज़्यादा। अब अपन ने बहुत बुराई कर ली आईपैड की, अब कुछ अच्छाई पे आ जाते हैं। अब ये आई मूवी इसका कहते हैं एडिटिंग का वो है, जिससे आप वीडियो एडिट कर सकते हो यूट्यूब के लिए, और बहुत ही गजब का है। मतलब बिल्कुल पीसी जैसा फील है भाई, क्या बोलूँ इस पर। अब देख सकते हो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपनी कोई भी वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और इसमें आपका वो भी दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ आवाज़ है, कहाँ कहाँ गन के साउंड्स हैं, वो भी सो जाता है इस पर। और मतलब बहुत ही गजब का सॉफ्टवेयर है यार ये। अब इधर से आप देखो अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और कुछ भी बोल कर बस अपना कहते हैं वॉइस ओवर इधर से बढ़िया तगड़ा कर सकते हो। और यहाँ से इस वाले ऑप्शन से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे साउंड है, मतलब कहाँ कहाँ बोलना है आपको, कहाँ कहाँ नहीं बोलना। मतलब मेरे से बनता नहीं उतना ज़्यादा चलाते, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया आई मूवी। बस ऐसे ही क्लिप कट करने के लिए बस यूज़ करता हूँ, कोई वो मिल गया मेरे को 1v3 क्लिप, 1v4 क्लिप, वही बस कट करने के लिए करता हूँ। बाकी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता इसका, सब पीसी से करता हूँ मैं। मतलब बहुत ही तगड़ा है, देख सकते हो आपको जहाँ जहाँ साउंड है वहाँ वहाँ ये बीट्स उठे हुए हैं। देखो मतलब जहाँ खाली उधर पे कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत मस्त है। उसका रेंडरिंग टाइम भी बहुत ही कम होता है, मतलब फ़ोन और उसका बहुत कम होता है कहते पीसी लैपटॉप के मुकाबले। अब इधर से आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और इधर पे आपको रिकॉर्ड पे दबाना है, और जस्ट आपका वॉइस ओवर होने लगेगा। ये देख सकते हो इधर पे आप कुछ भी बोलोगे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, और वहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि कहाँ पे साउंड आ रहा है, कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना। बस ये हेल्प हो जाती है इससे, तो ईजी रहेगा थोड़ा वॉइस ओवर करने पर। अब इफेक्ट वगैरह भी बहुत सारे हैं इस पर, मुझे पता नहीं है ऑप्शन, मैंने उतना चलाया नहीं। अब देखेंगे कभी ट्राई करके तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब सबसे बड़े एडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि आपका एक भी लैग नहीं हो सकता आईपैड पे, जीरो लैग होता है। अगर आप पे 25 टीम्स भी रस कर देगी ना तो आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा, जो कि आप ये देख सकते हो क्लिप में। अब ये मैं पहले डाल चुका हूँ, मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी, और जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो देख सकते हो। मतलब इतनी सारी टीम कितनी भी आ जाए, कुछ लैग नहीं हो सकता आपका, बस अपना आराम से स्मूथ खेलते रहोगे आप लोग, और बहुत तगड़ा पेलोगे बंदे यार। अब मैं क्या बोलूँ, मैं एंड्रॉयड से जब स्विच हुआ ना, मैं खुद भाई अपना गेम देखा हूँ इम्प्रूव होते हुए, और मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, और प्रूफ आपके सामने है, आप देख सकते हो। अब इससे भी घातक घातक फाइट हुई है हम लोगों की, और उस पर भी जीरो लैग, कुछ लैग नहीं होता। मतलब गेमिंग के लिए बीस्ट है, और कुछ भी अगर आपको कुछ और यूट्यूब में करना है उसके लिए भी भाई बहुत तगड़ा होगा। बस कैमरा अच्छा नहीं है इसका, तो प्लीज़ कैमरे के लिए मत जाना इसके लिए, क्योंकि कैमरा बहुत ही रद्दी किस्म का है। कि आप सोचो इस कैमरे से वीडियो बनाएंगे, सो उसके लिए मत जाना आप लोग। अब देख सकते हो इधर पे बहुत सारी टीम्स थी, और मतलब जीरो लैग यार, जीरो। अब बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा इस पे खेलने पे। मतलब 4-5 दिन लगेंगे हाथ बैठाने पे, और भाई क्या बोलूँ। अब मेरे पास पैसे होते ना तो मैं इसको नहीं लेता, मैं इसकी जगह एप्पल का दूसरा प्रोडक्ट लेता, XR ले लेता, बट इतने पैसे पे भाई बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है यार, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस। मतलब मैं भी प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आपके पास 50,000 हो ना तो प्लीज़ यार आईफोन ले लेना आईपैड छोड़ के, क्योंकि मैं भी मतलब जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी फ़ोन पे स्विच करूँगा। अब आईपैड पे थोड़ी ना यार कॉम्पिटिटिव वगैरह कुछ खेलने मिलेगा। अब तो मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए लिया था, मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही तगड़ा डिवाइस है ये, और
आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज पे। हाँ, तो नेक्स्ट एडवांटेज ये रहा कि बैटरी बहुत गजब की है इसकी। मतलब चार्जिंग पे तो टाइम लेती है बट चलती बहुत तगड़ी है। 4.5 घंटे कंटिन्यू आप गेम खेल सकते हो, जो कि मैं भी कभी कभी खेला हूँ जब मुझे वीडियो नहीं मिलती। और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही तगड़ी साउंड क्वालिटी है। और कुछ तो याद नहीं मुझे, बस इतना ही था। कंफर्टेबल बैटरी, साउंड लैग नहीं होता, और इसलिए बहुत अच्छा एडिटिंग का इसका आई मूवी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन मतलब बहुत तगड़ा है। अब वीडियो ख़त्म करते हैं। और कुछ मतलब मैं टेक यूट्यूबर नहीं हूँ, अब मुझे जितना जितना प्रॉब्लम फेस हुआ और जो जो अच्छा लगा सो मैंने बता दिया। अब क्या बोलूँ, बस नॉलेज है थोड़ा सा कि मतलब ऐसा नॉलेज नहीं है कि क्या ये क्या होता, बस इतना नॉलेज है कि कौन सा डिवाइस अच्छा है, किसमें कौन सा प्रोसेसर वगैरह लगा है। मतलब पहले मैं बहुत दिखता था यार टेक की चीज़ें, बट फिर जब से पबजी आया तो छोड़ दिया मैंने। मेरा ड्रीम था कि मैं टेक यूट्यूबर बनूं, बट कभी कभी भाई ज़िंदगी कहीं और ले जाती है। सो मिलते हैं अब आपसे शाम के गेम प्ले वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ यार गेम प्ले देख लिया करो मेरा। बहुत मतलब मेहनत से बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर भी कर देना अगर किसी अपने आपके फ्रेंड को लेना हो आईपैड वगैरह। और मुझे प्रॉब्लम अभी याद नहीं आ रही इस पर, बस इतनी थी, और एडवांटेज भी याद नहीं आ रहे। अब याद आते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। अब मिलते हैं आपसे शाम की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।